और अब इस समय जिसके साथ मैं हूँ वो हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हमारे साथ बीकानेर वाले के जो फाउंडर रहे हैं हमारे साथ केदारनाथ अग्रवाल जी, तो इनसे जानेंगे कि कैसे बीकानेर वाले की कैसे शुरुआत हुई और क्या इनका मोटिवेशन रहा और कैसे यहाँ तक जो है इतना बड़ा प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो यहाँ लगाया गया है, क्या इसके पीछे पूरी कहानी रही है वो हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ कि जो है ये प्लांट के लिए और जो यहाँ पे पूजा का जो समारोह किया गया, जो उद्घाटन हो गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या मतलब कैसा ये आपने कैसे शुरुआत की है, छोटे से बीकानेर शहर से लेके दिल्ली का सफ़र, दिल्ली से लेके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने पैर जमाना, किस तरह का आपका ये सफ़र रहा? बीकानेर में तो हमारा शुरू से नाम था। हाँ जी, हमारे जुगल के रसगुल्ले, हमारे पिताजी के पूरा नाम था और अच्छे अच्छी दुकानदारी थी। वहाँ से फिर हम हमारे बड़े भाई साहब सत्यनारायण जी, ये पहले कई जगह देखी उन्होंने, बॉम्बे, कोलकाता, आखिर में वो दिल्ली आ गए। हम लोग दिल्ली में आए तो फिर मारवाड़ी धर्मशाला है जोगी वाड़े में, वहाँ ठहर गए। वहाँ से हम बीकानेर से नमकीन भुजिया मंगाते थे और रसगुल्ले मंगाते थे और बेचते थे। फिर नई सड़क पे एक अलवारी नमक दुकान मिल गई, उसमें हमने दाल का हलवा और बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके मोती बाज़ार में दुकान मिल गई। मोती बाज़ार से फिर हमारा उत्थान होता, दिल्ली ने हमारा हाथ बहुत जल्दी पकड़ा। अच्छा, क्यों, जो भी भुजिया एक ऐसी चीज़ है कि जब तक पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो आदमी का मुंह चलता रहता है, वो खाते ही रहता है। इसलिए वहाँ से मोती बाज़ार से फिर अपने चांदनी चौक में, चांदनी चौक से फिर करोलबाग में, करोलबाग में बीकानेर वाला नाम रख दिया। और हमारे भाई साहब और आए, दिवाली पे मिठाई की दुकान लग रही थी, फिर हमने फंटाई देनी शुरू कर दी नेपाल में। पहली नेपाल में दी थी फंटाइज, तो हम बड़ी कसमकस थी कि दें या नहीं दें, क्यों जो भी कुछ पता है कि बिक्री की कितनी सेल दे दोगे, भाई सेल का क्या पता है, ग्राहक आवे ना आवे वही चीज़ है। अभी जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई खाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, तो वो खुद ही बनाई गई है यहाँ पर? हाँ, यहीं बनी हुई है हमारे बिकाने वाले में। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगी, मैम से जानना चाहूँगी कि आप कहते हैं कि हर एक सफल पुरुष के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है, तो आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी या मतलब किस तरह की आपने इस सफ़र को तय किया? यही तो करती थी पीछे। अच्छा, ये लड्डू बांधना, गुलाब जामुन घोलना, हमारे महिलाओं का पूरा बिल्कुल सहयोग है। और राजस्थानी महिलाओं की बात करें तो वो तो वैसे ही बहुत माहिर होती हैं खाना बनाने में, राजस्थानी खाना वैसे ही इतना फेमस रहा है। तो इनका तो बहुत बड़ा बस, हमारी माता जी सुबह सबको नाश्ता कराना, क्या और करना, क्या